अध्याय 27। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पीलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पीलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पीलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके जहू को इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका
और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इसराइल का राजा है, क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो आप इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्हें कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूई डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं दूर से ये देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिहा का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लाश को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था महायाजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था, मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा, सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे
कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की।